दोस्तों, बढ़ती गर्मी को देखते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आइसक्रीम की रेसिपी। और इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसे हमने घर में मिलने वाली चीज़ों से ही बनाया है। कोई भी एकदम अलग सा इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किया है और ना ही किसी बीटर का यूज़ किया है, तो कोई भी इसे बहुत ही इजीली बना सकता है। और फिर भी आप देख सकते हो कितना क्रीमी है, ये टेस्ट में तो लाजवाब है। वनीला आइसक्रीम के साथ साथ सबका फेवरेट बहुत ही डिलीशियस बटरस्कॉच आइसक्रीम भी बनाना बताऊंगी मैं आपको, साथ में ही बहुत ही क्रंची बटरस्कॉच क्रंचेस भी इजीली बनाएंगे। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, आइसक्रीम बनाने के लिए हमें घर की मलाई चाहिए। तो फुल क्रीम दूध को मैंने लो फ्लेम पर अच्छे से उबाल कर फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के बाद फ्रिज में ओवरनाइट रख दिया था। और आप देख सकते हो कितनी अच्छी मलाई जमी है इस पर। मेरे पास टोटल 2 लीटर दूध था जिससे करीबन 1/4 कप मतलब 3/4 कप मलाई मिली है। अब 2-3 दिन की मलाई एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर करके भी यूज कर सकते हो। हाँ, पर उससे ज्यादा पुरानी मलाई यूज ना करें, नहीं तो उसमें थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है। तो अब हम इस मलाई को 20-30 मिनट्स फ्रिज में अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक चलिए मैं आपको आगे की प्रोसेस बता देती हूँ। एक कढ़ाई में पहले 1/2 कप दूध डाल देना, और इसी के साथ यहाँ पर मैंने ये कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें से 1.5 टेबल स्पून मतलब 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिला देना इसे दूध के साथ, बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने पहले थोड़ा ही दूध लिया है यहाँ पर। जब कॉर्नफ्लोर दूध के साथ अच्छे से मिल जाए तब हम इसमें और 1 कप दूध डाल देंगे और इसे भी इस तरीके से मिलाएंगे। अब आइसक्रीम को टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये मिल्क पाउडर ली है। मिल्क पाउडर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है दोस्तों, पर डालो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये 3 चम्मच मिल्क पाउडर डाल देना और इसे भी अच्छे से मिला देना। अब गैस पर रखकर ऐसे ही चलाते हुए 4 से 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर इसे कुक होने देंगे। 4-5 मिनट के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से गाढ़ा हो जाएगा ये। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, पिसी हुई चीनी यूज कर रही हूँ ताकि ये इजीली घुल जाए मिश्रण में। तो 5 से 6 चम्मच के करीब चीनी डाल देना। अगर आप नॉर्मल ग्रैन्युलर चीनी यूज करो तो 4 से 5 चम्मच ही डालना। अब चीनी डालने के बाद और 1-2 मिनट पकाना और फ्लेम को बंद कर देना। इससे गाढ़ा हमें इसे बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए रूम टेम्परेचर पर आने के बाद लग रहा है ना थोड़ा और गाढ़ा। चलिए अब फ्लेवर के लिए इसमें 8-10 ड्रॉप्स वनीला एसेंस डाल देंगे और अच्छे से मिलाना इसे। तो ये अपना वनीला आइसक्रीम बेस तैयार है। इसे भी एक बाउल या डिब्बे में निकाल कर ढक कर 15 से 20 मिनट फ्रीजर में रख देंगे। और अब आप देख सकते हो ये वनीला आइसक्रीम बेस जो हमने दूध से बनाया है, और इसी के साथ ये मलाई भी काफ़ी अच्छे से ठंडी हुई है। इन्हें हम क्या करेंगे, एक मिक्सिंग जार में डाल देंगे। तो पहले ये आइसक्रीम बेस जाएगा और अब इस मलाई को भी डाल देंगे। पीसते समय ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इसे ना चलाना, बस कुछ 3-4 सेकेंड्स चलाएंगे, बंद कर देंगे, फिर से 3-4 सेकेंड्स चलाकर बंद कर देना। इस तरीके से 2-3 बार आप इसे चला सकते हो, पर कंटिन्यूसली ज़्यादा समय तक मिक्सर को ना चलाना, क्योंकि ये मलाई बहुत गाढ़ी है तो ज़्यादा चलाओ तो इससे कहीं बटर बाहर ना निकल जाए। कुछ सेकेंड्स ही हमने इसे चलाया है, फिर भी आप देख सकते हो कितने अच्छे से बबल्स आए हैं इसमें, मतलब अपना आइसक्रीम बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्मूथ बनने वाला है। तो ये आइसक्रीम मिक्सचर रेडी है। इसे आप किसी भी प्लास्टिक या कांच के बाउल या डिब्बे में रख सकते हो। मैं इसे अपने केक टिन में डाल दूंगी। आप इसे किसी भी बर्तन में स्टोर करो, पर उसे ऊपर से अच्छे से कवर जरूर करना, या तो अच्छे से ढक्कन से या फिर एल्यूमिनियम फॉइल या फूड रैप पेपर से। ढककर रखने से क्या होगा ना, इस पर आइस नहीं जमेगा, आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे इसमें। मैंने इसके ऊपर ये एल्यूमिनियम फॉइल लगा दी है। अब इसे 7 से 8 घंटे या फिर ओवरनाइट फ्रीजर में रख देना। मैंने इसे ओवरनाइट रखा था। अब इसे आइसक्रीम निकालने से पहले 4 से 5 मिनट इसे किचन टॉप पर ऐसे ही छोड़ देंगे। और अब ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्रीमी क्रीमी वनीला आइसक्रीम बस घर के दूध से बनकर तैयार है।
बहुत ही टेस्टी लगता है ये, मुंह में जाते ही घुल जाएगा। और अगर आप इसे इस तरीके से चॉकलेट सिरप के साथ सर्व करो तो फिर बच्चे कूद पड़ेंगे इस पर। ये देखिए, लग रहा है ना टेम्पटिंग। अगर आप चाहते हो तो फ्रेश क्रीम या व्हिप क्रीम से आइसक्रीम बनाने की रेसिपी भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, पर पहले ये घर के चीज़ों से बना आइसक्रीम आप ज़रूर ट्राई करना। चलिए अब इस तरीके से बटरस्कॉच आइसक्रीम भी बनाएंगे। उसके लिए मैंने फिर से 1.5 कप दूध, 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 3 चम्मच मिल्क पाउडर और 5 चम्मच चीनी डालकर यह आइसक्रीम बेस बना लिया है। रूम टेम्परेचर पर है ये, तो अब इसमें हम बटरस्कॉच एसेंस डाल देंगे। दोस्तों अभी गर्मी की काफ़ी सारी रेसिपीज बनती ही रहेगी, तो आप ये अलग अलग तरह के एसेंस अपने पास ज़रूर रखना। किसी भी बेकरी रॉ मटेरियल शॉप में आपको ये बहुत ही ईजीली मिल जाएंगे। चलिए, बटरस्कॉच आइसक्रीम है तो इसमें थोड़ा सा येलो कलर भी डाल देंगे। जेल, लिक्विड पाउडर, जो भी कलर है आपके पास आप डाल सकते हो, पर बिल्कुल थोड़ा सा कलर डालना। ये देखिए, इस तरीके से बटरस्कॉच आइसक्रीम बेस भी तैयार है। इसे एक बाउल में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक चलिए फटाफट से बटरस्कॉच क्रंचेस बनाते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर करीबन 15 से 20 काजू लिए है। मैंने थोड़ी ज्यादा लिए, आप कम लो तो भी चलेगा। अब इन्हें हम हल्का सा क्रश करेंगे, बहुत ज्यादा क्रश करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ऐसे ठीक है। अब इसी तरीके से 8-10 बादाम भी लिए हैं। आप मूंगफली का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो। इन्हें भी इस तरीके से हल्का सा क्रश करके साइड में रख देंगे। अब गैस को लो करके कढ़ाई में डालेंगे 1/4 कप से थोड़ी सी ज्यादा चीनी। कढ़ाई में इसे इस तरीके से फैला कर रख देना और अब लो फ्लेम पर धीरे धीरे से चीनी पिघलने का इंतज़ार करना। इस तरीके से ये मेल्ट होने लगेगी। थोड़ा सा चलाकर इसे हम पूरी तरह से मेल्ट होने देंगे, बस फ्लेम को लो ही रखना। तो ये देखिए, चीनी बहुत अच्छे से कैरमलाइज हो गई है। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बटर। सॉल्टेड बटर ही लिया है मैंने, इसी से टेस्ट अच्छा आता है। जब बटर पूरी तरह से मेल्ट हो जाए, इसमें ये क्रश किए हुए काजू और बादाम डाल देंगे और बस एक बार मिला देंगे इन्हें। अब ज़्यादा देर ना करते हुए फ्लेम को बंद कर देना और तुरंत इसे एक पार्चमेंट पेपर पर डाल देंगे। पार्चमेंट पेपर नहीं है तो आप बटर पेपर को तेल लगाकर या फिर प्लेट को तेल से ग्रीस करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसे इस तरीके से फैला कर 5-10 मिनट या अच्छे से ड्राई होने तक वेट करना। 5-10 मिनट के बाद ये देखिए, ये अपने आप ही निकल आई है। इसे हमें क्रश करना है, तो पहले इसे बड़े बड़े टुकड़े कर देना और अब इसी पेपर में फोल्ड करके हम इसे इस तरीके से क्रश करेंगे। आप चाहो तो इसे पॉलीथीन बैग में भरकर भी क्रश कर सकते हो। तो ये बढ़िया सा बटरस्कॉच क्रश बनकर रेडी है। यहाँ पर ये बटरस्कॉच आइसक्रीम मिक्स भी ठंडा हुआ है, साथ में ही इसके लिए भी मैंने 1/2 कप से थोड़ी सी ज्यादा मलाई ठंडी कर ली है। इस मलाई को मिक्सिंग जार में डाल देना, साथ में ही ये आइसक्रीम मिक्स भी डालना और इन्हें भी 3-4 सेकेंड्स चलाकर स्मूथ कर देना। ये देखिए, ये भी रेडी है। अब इसे मैं एक बाउल में सेट करूंगी, तो बाउल में 2-3 चम्मच ये क्रश डालकर अब इस पर ये आइसक्रीम डाल देंगे। इस पर फिर से हम थोड़ा सा क्रश डाल देंगे और अब इस तरीके से चम्मच से इसे थोड़ा सा नीचे कर देंगे। अब इस टॉप लेयर पर फिर से हम क्रश डाल देंगे और अब फ्रीजर में जाने के लिए ये बिल्कुल रेडी है। बस इसे अच्छे से कवर करना ज़रूरी है, तो इसे मैंने इस तरीके से एल्यूमिनियम फॉइल से अच्छे से कवर कर लिया है। इसे भी 7 से 8 घंटे या फिर ओवरनाइट इसमें रख देंगे और अब ये देखिए, बहुत ही अच्छी बटरस्कॉच आइसक्रीम बनकर तैयार है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी, कितनी क्रीमी है ये, बिल्कुल मार्केट की आइसक्रीम जैसी लग रही है। सर्व करते समय भी आप इस पर ये क्रंचेस डाल सकते हो। ये देखिए, पूरे दूध से बनी है ये। आपको पता नहीं होगा, मार्केट के काफ़ी कम आइसक्रीम दूध से बनती है, पर ये अपना आइसक्रीम तो केवल घर की मलाई और दूध से बना है। तो दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करना इसे, और कैसा लगा आपको ये कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो नीचे का लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना, साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक करना
जिससे आपको मेरे नए वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।